नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए मील प्लान वीडियो पे। यहां मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको गुलाब जामुन बेसिकली बनाने हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप थायराइड में अपना वेट कम कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस डाइट प्लान। और जो डाइट प्लान है कस्टमाइज तो किया हुआ मैं थायराइड वालों के लिए, साथ ही साथ बहुत लो इन कैलोरीज, उसको अदर लोग भी फॉलो कर सकते हैं फॉर वेट लॉस, लेकिन ये स्पेशली थायराइड वाले लोगों के लिए है। तो मेक श्योर इस डाइट को सेम टू सेम आपको फॉलो करना है और बहुत इजी टू मेड है। और मैं बहुत सो कॉल्ड फैंसी चीज़ें इंक्लूड नहीं किया हूँ जो कि आपको बहुत कॉस्टली पड़े, जो आपके घर पे इजीली मिल जाता है उन्हीं में से मैं ये डाइट आपको बना के दिखा रहा हूँ फ्रॉम मॉर्निंग टू योर लास्ट मील। आइए शुरुआत करते हैं मील की और देखते हैं कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो जो हमारा पहला ड्रिंक है वो है डिटॉक्स वाटर। इसके लिए हम लोग हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे 250 ml लूक वार्म वाटर में। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हनी। मेक श्योर हनी एक अच्छे ब्रांड का हो। इसके बाद अच्छे से इसको स्टर कर दीजिए और सुबह सुबह आपका डिटॉक्स और वेट लॉस ड्रिंक रेडी है। यह आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपको दिन भर थोड़ा सा एक्टिव फील कराने में भी हेल्प करेगा। तो मेक श्योर इस ड्रिंक के साथ आप एक लाइट वर्कआउट भी जरूर फॉलो करना ताकि आपको और पॉजिटिव और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सके। तो अराउंड 8:30 आपको लेना है अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे दो बनाना, साथ में मैंने लिया है अनार। अनार में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ कार्डियो वैस्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो पोटेशियम और वाइटामिन B6, और दोनों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जितने भी थायराइड के पेशेंट हैं जो नॉमिनल या फिर हाई थायराइड उनका हो चुका है, वो इस मील को ज़रूर ऐड करो। और ध्यान रखना डिटॉक्स वाटर लेने के 30 मिनट्स बाद ही आपको अपना मील इंटेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मील और बहुत ही इफेक्टिव मील है। कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप मत करना, स्पेशली अगर आप थायराइड के पेशेंट हो। तो ये है हमारा सुपर ब्रेकफास्ट जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। अब अराउंड 11:30 AM यानी कि मिड मॉर्निंग में हम लोग लेंगे कर्ड मिंट लीफ और इसमें क्रंच के लिए ऐड करेंगे हम लोग अनार। ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्ट और शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल रॉ खाना है। अब मैंने घर का बनाया हुआ कर्ड ऐड किया, रॉ टेस्टी और इफेक्टिव है, बहुत ही रिच इन विटामिन डी है। तो मेक श्योर आपको सेम टू सेम जैसे मैं बनाया हूँ सेम आपको वैसे ही खाना है। ये हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। अब 2 बजे के अराउंड आप अपना लंच लोगे। लंच में मैंने लिए हैं स्वीट पोटैटो और मिंट की चटनी। अब इस स्वीट पोटैटो में हम लोग डाल देंगे पूरी मिंट की चटनी, उसको अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। जब आपका बैटर कुछ इस तरीके से मिले तो आपको 2 चपाती लेनी है, उसको पैन में हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे ही चपाती आपकी थोड़ी सी कुरकुरी और गर्म हो जाए, इस जो आपने अभी बैटर बनाया था विद स्वीट पोटैटोज को, वो आप रोटी में लगा लोगे। 2 चपातीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है और इस चपाती के में बैटर पे हम लोग ऐड करेंगे थोड़े से अनियन, टमाटो और साथ में कुछ फ्लेवर इन्हांस करने के लिए यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे थोड़ा सा कर्ड जो कि 1 टेबल स्पून। रेडी है आपका मिंट चटनी विद स्वीट पोटैटोज रोटी, बहुत ही फिलिंग है। तो मेक श्योर आप इस मील को ज़रूर इंजॉय करो और बहुत लंबे समय तक आप फुल फील करोगा, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको सॉस से बिल्कुल भी खाने की कोशिश मत करना, मैं नहीं चाहता कोई भी आर्टिफिशियल सॉस आपके बॉडी में अलग से इंटेक हो। तो मेक श्योर आप इसको कर्ड से इंजॉय कर सकते हो। सो 5 बजे के अराउंड आप लोगे अपना स्नैक्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो कि मैं इंजॉय करूँगा विद ग्रीन टी, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और कुछ हेल्दी फैट्स भी आपके बॉडी में चले जाएंगे। तो ये है आपका स्नैक्स। सबसे ज़रूरी है हमारा डिनर, तो मेक श्योर 7 बजे से पहले आपको अपना डिनर इंटेक कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पोहा। तो मैंने कुछ यहाँ पे बादाम को अच्छे से रोस्ट करके इसको अलग सा पैन में निकाल के मैं रख लूँगा ताकि इसको बाद में हम लोग यूज़ कर सकें। साथ ही साथ पैन में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा बहुत मामूली सा घी, घी जैसे गर्म हो उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा को थोड़ा सा सॉटे कर ले ताकि इसका कलर ब्राउन हो जाए। उसके बाद ऐड करेंगे अनियन और थोड़े से मिर्च, इसको भी हम लोग अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सॉटे होने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे कैरेट जो कि बहुत ज़रूरी है। कैरेट के साथ इसमें चाहो तो बेबी कॉर्न भी आप ऐड कर सकते हो। अब मैंने कुकम्बर भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा पत्ता गोभी और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें मिला के इसको अच्छे से सॉटे कर लिया।
और जो मैंने बादाम रखा था वो भी डाल दिया हूँ। इसके बाद इसमें चूरा जिसको जावा भी बोलते हैं वो मिलाऊंगा, जो मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखे थे उसको छानने के बाद मैं इसमें मिला रहा हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए। हाथों का यूज़ करना चाहते हो हाथों का भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप बिना हाथों का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करो ताकि जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी बन सके। बनने के बाद इसमें हम लोग स्क्वीज़ करेंगे हाफ लेमन, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो रेडी है आपका पोहा, जो कि पूरी तरीके से ग्लूटेन फ्री है और आपको तुरंत एनर्जी देने वाली मील है। साथ ही साथ विटामिन B1 इसमें भरपूर मात्रा में है, तो मेक श्योर इसको ज़रूर लो। साथ ही साथ आपको जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम भी मिलता है। तो थायराइड वाले अगर आप हो तो आपको पोहा दिन भर में ज़रूर खाना चाहिए। ये थी कंप्लीट हमारी मील। तो यार ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। मन में कोई सवाल हो नीचे कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और किसी 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर आप ज़रूर करना। मिलते हैं